असलम दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी वगैरह बना रहे हैं। चले अच्छी बात है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे मेडिकल टेस्ट जो कि आपने करवाने हैं स्टीरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद। कि अगर आपकी बॉडी में कोई नुकसान हो गया है, कोई ऑर्गन को लेके, कोई ब्लड को लेके कोई इशू हो गया है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। सबसे पहले आपने करवाना है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसे कि आप जानते होंगे जो एनाबोलिक स्टीरॉइड होते हैं वो आपके लीवर को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। इसलिए जिस तरह स्टीरॉइड साइकिल स्टार्ट करने से पहले जरूरी है आपको अपने लीवर के हेल्थ के बारे में जानना, इसलिए स्टीरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको पता चले कि कहीं आपकी जो स्टीरॉइड है वो आपके लीवर में किसी किस्म का ज्यादा डैमेज तो नहीं कर गई। उसके लिए आपने अपना लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT टेस्ट करवाना है। आप रेगुलर टेस्ट करवा लें, LFT का ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। उसमें आपने देखना कि आपके जो लीवर के एंजाइम्स हैं उनकी वैल्यूज कहीं नॉर्मल से ज्यादा तो नहीं है, और अगर उनकी वैल्यूज अल्लाह ना करे ज्यादा हुई तो आपने उसका इलाज करवाना है। इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा दोस्तों, उसका नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। आपको पता होगा स्टेरॉइड यूज जो होता है वो आपके ब्लड को बहुत ज्यादा थिक कर देता है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के देखना है कि कहीं आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो 200 से ज्यादा तो नहीं। अगर 200 से ज्यादा है तो आपने उसका इलाज करना है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा टेस्ट होगा बहुत जरूरी, वो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। आपने देखना है कि आपकी रिपोर्ट के अंदर आपके ब्लड सेल्स की जो वैल्यूज होते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स होते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, और अगर उनकी वैल्यू खराब है ऊपर नीचे है तो आपने उसका इलाज करना है। ये वो तीन टेस्ट है दोस्तों जो कि आपने तब भी करवाने थे कि अगर आपने स्टीरॉइड साइकिल स्टार्ट करनी है। अब एक चौथा टेस्ट बहुत जरूरी है जो कि मैंने आपको पहले सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन स्टीरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद वो टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो टेस्ट जो है वो बताएंगे आपको आपकी किडनी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं काफी स्टीरॉइड ऐसे होते हैं जो कि आपकी किडनी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए स्टीरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद आपको आपकी किडनी के स्टेटस के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप दो टेस्ट करवाएंगे। जो पहला टेस्ट होगा उसका नाम होता है रेनल फंक्शन टेस्ट, RFT भी बोलते हैं उसको। ये टेस्ट करवाने के बाद आपने उस रिपोर्ट के अंदर अपनी क्रिएटिनिन की वैल्यूज देखनी है। क्रिएटिनिन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपके मसल बनाते हैं, तो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर अपनी क्रिएटिनिन की वैल्यू को देखना है। इसके साथ साथ आपने दूसरा टेस्ट करवाना है ACR, ये भी किडनी का ही टेस्ट है। इसको स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट भी बोला जाता है, और इसका टेस्ट करवाने के बाद भी आपने रिपोर्ट्स देखनी कि आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपको जो यूरिन है उसके अंदर कहीं प्रोटीन नॉर्मल से ज्यादा पास तो नहीं हो रहा। जैसे कि बाज़ लोगों को इशू होता है कि उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके यूरिन के अंदर काफी ज्यादा झाग भी बनती है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने पांच टेस्ट करवा लेने हैं, और अगर अलग अगर ये टेस्ट सही नहीं आते तो आपने इनका इलाज करना है, और साथ ही साथ इसके सही ना आने पर आपने नेक्स्ट ईयर साइकिल बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होगी लगता वीडियो। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।